हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो है हमारी शुरू हो चुकी है दिवाली की सफाई। तो फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा कर जब हम सफाई करेंगे तभी टाइम तक हो पाएगी। और घर का भी काम रहता है, बच्चों का भी रहता है। आज इन बच्चों की छुट्टी थी तो मैं सफाई का काम ही शुरू कर देती हूँ। एक तरफ हमने मशीन भी लगाई हुई है, उसमें चादर वगैरह ये सारी चीज़ें धुल जाएंगी। और फिर करवा चौथ भी आ रही है ना, तो फिर बीच में दो दिन काम तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि एक दिन तो मेहंदी वेहंदी में ही लगेगा और दूसरा जो है करवा चौथ का दिन होगा, तो फिर उस दिन तो सफाई बिल्कुल नहीं करनी है। तो मैं चलो आज मेरे पास टाइम था तो मैं अपनी ये रैक साफ़ कर लेती हूँ। तो आज ये रैक जो है इनको ही मैं साफ़ करूँगी, फिर बाद में आगे की सफाई बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये मैं अपनी वाली रैक साफ़ कर रही हूँ। इसमें एक रैक में जो है मेरे कपड़े रहते हैं, एक में अभी के डैडी के, और दूसरी जो नीचे वाली रैक है उसमें चादर, बेडशीट वगैरह और सोफे कवर, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। और एक रैक में जो है होम थिएटर वगैरह रखा हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मतलब रखी हुई हैं। और जो ऊपर वाली रैक आपको दिख रही है ना, उसमें जो है मेरी कुकिंग के जितने भी बर्तन हैं वो रखे हुए हैं, मतलब मेरे जो कुकिंग चैनल है उसके लिए जो बर्तन यूज़ में आते हैं वो उसमें रखे हुए हैं। वैसे मेरे सारे बर्तन किचन में हैं, लेकिन जो मेरे चैनल के लिए मेरी कुकिंग के काम आते हैं वो सारे बर्तन मैंने इस रैक में रखे हुए हैं, क्योंकि ये मुझे इनमें से कभी कभी कोई चीज़ चाहिए होती है, कभी कोई चीज़ चाहिए होती है, तो मैं आसानी से यहीं से निकाल लेती हूँ। तो ये वाली जो ऊपर वाली रैक है इसे मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें है बर्तन, तो बर्तन मुझे मांजने हैं, इसलिए मैं इसको अभी खाली नहीं करूँगी, इसको मैं बाद में ही खाली करूँगी। पहले मैं कपड़ों का काम ख़त्म करूँगी। यहाँ पर जो भी रोज़ के मेरे कपड़े हैं वही हैं, तो वही कपड़े मैं यहाँ रैक में रखती हूँ। और मैं इनमें से कुछ कपड़े निकाल कर अलग भी करूँगी, क्योंकि जो कपड़े मैं पहनती नहीं हूँ वो कपड़े मैं अलग कर दूँगी, क्योंकि उन कपड़ों को मैं किसी को दे दूँगी ज़रूरतमंद को। और जो कपड़े मैं पहनती हूँ वो कपड़े मैं एक तरफ को तय बना कर रखती जाऊँगी। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े मैंने अलग किए हैं। तो फ्रेंड देखिए, कपड़ों की यहाँ पर तय बन चुकी है, रैक मैंने साफ़ कर दी है। और इधर में जो है मशीन भी लगी हुई है, बच्चों के स्कूल बैग निकाले हुए हैं वो भी धुलेंगे, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे, इधर में काम भी होता रहेगा। इधर में मैं कुछ कुछ किचन का काम भी संभाल रही हूँ। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेरा घर जो है बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, साफ़ सफाई होती है तो ऐसे ही होता है। यहाँ पर बच्चे अपनी जो बुक हैं उन्हें सेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके बैग खाली किए गए हैं तो बुक वगैरह वो एक तरफ लगा देंगे। मैंने इधर कुकर में जो है दलिया बनने के लिए रख दिया है और दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, बच्चों को दूध पीना है। तो यहाँ पर मैंने अभी के डैडी के भी कपड़ों को तय बना दिया है। इस बैग में जो है बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं, और जो ये थैले रखे हुए हैं दो, इनमें जो है जो मैंने कपड़े निकाले हैं बेकार वो हैं, जिन्हें मैं बाहर भेजूंगी किसी के लिए। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं रैक में कितनी ज़्यादा सीलन आई हुई है। तो तीन चार दिन जो बारिश हुई है ना, उसकी वजह से जो है रैक आधी आधी इस तरीके से सील चुकी हैं। पीछे की तरफ ना, हमारे घर के पीछे की तरफ कोई भी जो है मकान बना हुआ नहीं है, है लेकिन एक मंजिल बने हुए हैं, इसलिए जो है ना ये दीवार बिल्कुल सील जाती है जब भी बारिश होती है। तो लगातार तीन चार दिन बारिश हुई, उसकी वजह से ये दीवार बहुत ज़्यादा सील गई थी। तो मैंने कपड़ों को तय बनाकर थोड़ी देर इधर ही रखा रहने दिया और पंखा चला दिया है मैंने, ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद ही मैं इन्हें लगाऊंगी। यहाँ पर मिष्टी जो है अपने खाली बैग लेकर टांग कर घूम रही है,
और अभी का भी बैग ले लिया है इसने, तो इसको ना हर काम में मस्ती ही रहती है। और जो ऊपर वाली रैक है ना उनको मैं बाद में ही खाली करूँगी, क्योंकि एक साथ सारा सामान फैल जाएगा, तो पहले इन कपड़ों को लगाऊंगी उसके बाद ऊपर वाली रैक खाली करूँगी। बर्तन जो है बर्तन मुझे साफ़ कर कर रखने हैं, मतलब कि धोकर रखने हैं। और बर्तन जो है ना ये डेली यूज़ में काम नहीं आते, ये जब भी काम आते हैं जब मुझे कुकिंग के मतलब कुकिंग चैनल के लिए कुछ बनाना होता है, तो इन्हें मैं अलग ही रखती हूँ, किचन में नहीं रखती। तो ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो एक तरफ रखे हुए हैं, इसी तरीके से रखती हूँ, इस तरीके से ना आसानी से मिल जाते हैं। तो अब मैं ये रैक वगैरह साफ़ कर लूँगी, और वैसे मैंने एक बार साफ़ कर दी हैं लेकिन दोबारा से मैं इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब वो लगता है क्योंकि सीलन हो रखी है और कपड़े ना ख़राब हो जाएं, इसलिए थोड़ा सा इनको सूखने दूँगी, उसके बाद ही इनको इसमें कपड़े लगाऊँगी। तो फ्रेंड रैक वगैरह मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दी हैं, और जो है जब वो सूख जाएंगी हल्की सी तभी मैं कपड़ों को उसमें लगाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैं जो है चाय बनाऊंगी, क्योंकि अभी के डैडी को चाहिए चाय, तो मैंने कहा चलो मैं चाय बना कर दे देती हूँ। काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ पड़ा है घर में, सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन वही है कि काम तो करना ही है और दिवाली जो है पास आ रही है, इसलिए मैंने काम शुरू कर दिया है और थोड़ा थोड़ा कर कर ही करूँगी, तभी काम होगा। मुझे बेड भी खाली कर कर साफ़ करना है, बेड को भी, बेड की भी मुझे डिप क्लीनिंग करनी है, और जो है ना अलमारी वगैरह ये सब भी क्लीन करनी है। तो मैं चलो रैक ही मैं आज साफ़ कर लेती हूँ, तो रैक का काम सबसे ज़्यादा होता है, तो मैंने कहा यही पहले मैं करूँगी, तो आज मैं रैक का काम ख़त्म कर लूँगी। और यहाँ पर चाय मेरी बनकर तैयार हो चुकी है, तो मैं चाय दे दूँगी और उसके बाद वापस से मैं डस्टिंग में लग जाऊँगी। तो डस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद जो है झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, और जो है कपड़े भी धुल गए हैं, कपड़े बस सिर्फ चादर रह गई हैं, तो चादर भी धुल जाएंगी जब तक, तो वो एक तरफ लगे हुए हैं, तो मैं ये भी काम ख़त्म कर लेती हूँ। और जो है कपड़े मैं बाद में ही लगाऊँगी, तो कपड़ों को मैं ऐसे ही रखा रहने देती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है ना रैक सूख चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर कपड़े लगा दिए हैं, अभी हल्की हल्की सी हैं गीली, तो मैंने आगे की तरफ को ही कपड़े लगाए हैं, दीवार से बिल्कुल लगा कर नहीं रखे हैं। और जो है इनको मैं खुला हुआ ही छोड़ूंगी ताकि ये सूख जाए। तो ये काम तो मेरा ख़त्म हो गया है, ऊपर वाली रैक मैंने अभी नहीं की है, इनको मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बर्तनों का काम है तो वो बाद में ही होगा, क्योंकि काम एक साथ सारे फैल जाएंगे। तो ये दोनों रैक तो हो चुकी हैं, अब नीचे वाली रैक भी मैं साफ़ कर लूँगी साथ के साथ। तो यहाँ पर जो है ना इस रैक में मैं रखती हूँ अपनी बेडशीट वगैरह, और जो है कुशन कवर हैं और सोफ़े कवर हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें ही रखती हूँ, तो वो सब मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर ना इस वाले जो रैक में सामान है वो बहुत ज़्यादा है, और फिर जो अभी के डैडी के कोट वगैरह हैं, अभी के और अभी का सूट है, ये सारी चीज़ें भी इसी में रखी हुई होती हैं, बेड में मैं नहीं रखती हूँ। और मिट्टू देखो नीचे किस तरीके से घूम रहा है, बस इसको ना यही है कि ये भी ऐसे ही पूरे घर में घूमता रहता है, बंद हम नहीं करते हैं, तो बस। तो अभी के डैडी डांट रहे थे इसको, क्योंकि ये बहुत चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, तो बस वो डांट रहे थे कि क्यों चिल्ला रहा है, क्या बात है। तो यहाँ पर ये बेडशीट सारी वैसे तो तय बनी हुई हैं, लेकिन मैं निकाल कर वापस अच्छे से इनको लगा दूँगी। तो देखिए मैं ना थोड़ा सा इसको आगे की तरफ को कर लिया था, और बस अब मैं सारी ही बेडशीट निकाल लेती हूँ। तो इसमें टॉवल वगैरह हैं और कुछ नए कपड़े हैं जो मंगाकर हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, क्योंकि कभी ना कोई अचानक से आ जाता है या फिर कोई भी फंक्शन निकल आता है, तो उनको देने लेने के लिए हमने इसमें कुछ कपड़े रखे हुए हैं। और ये बच्चों के सूट हैं, अभी के डैडी के सूट हैं, तो वो भी इसी में हैं।
और यहाँ पर ये सारी जो रैक है उसे खाली कर कर मैं अच्छे से साफ करूँगी और उसके बाद अच्छे से इसको सेट कर कर लगाऊंगी। तो मैं जो चादर हैं डबल बेड की चादर हैं उन्हें अलग रखती हूँ, सिंगल बेड की जो चादर हैं उन्हें अलग रखती हूँ, और जो सोफे कवर, कुशन कवर हैं और टेबल कवर है उन्हें मैं अलग रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी की तय बना लूँगी अच्छे से और सभी को अच्छे से लगा दूँगी। तो ये रैक जो साफ़ हो जाएगी ना, मेरा बहुत बड़ा काम ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड, दिवाली तो आती है, बहुत ही अच्छा त्यौहार लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ जो सफाई का काम फैलता है ना, वो सबसे ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है इस काम से कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम सब। लेकिन क्या करें फ्रेंड, साफ़ सफाई का काम जब होता है तब तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जब काम हो जाता है उसके बाद खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है कि चलो हमारा घर तो साफ़ हो गया इस बहाने से। तो फ्रेंड बस यही है ना, हम वैसे अलकस कर जाते हैं कि नहीं कर लेंगे, लेकिन दिवाली के आते आते हम अपने घर के सारे काम जो है फटाफट से ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है ना शाम का समय है, मेरा काम ख़त्म हो चुका था और अब मैं शाम के लिए खाना बनाकर तैयार कर रही थी। तो एक तरफ दूध बॉईल हो रहा है और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ दाल पालक में तड़का। तो मैंने आज पालक दाल की सब्ज़ी बनाकर तैयार की है और इसमें मैंने लगाया है ये जीरा डाला है और मैंने यहाँ पर लहसुन डाला है, लाल मिर्च डाली है, हींग डाली है। तो मैं इसका तड़का इसमें लगाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में और आप इस तरीके से ना एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है ये। और इसमें ना आप घी डालकर जब खाएंगे ना तो इसका टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दाल पालक मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। तो बस ये मेरी सब्जी बन गई और रोटियाँ बनानी हैं मुझको। तो फ्रेंड ये वीडियो जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ।